हैट के साथ डांस करूंगी और म्यूजिक खत्म होने से पहले अगर तुम ये हैट मुझसे ले सके देन यू विल विन और अगर नहीं ले पाए तो तुम लूजर और हम विनर सो क्या बोलते हो Ring it on. So, let's start. अब सब क्लियर हो गए कि भारत नगर का असली स्टार डांसर कौन है जिया 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 होल्ड इट होल्ड इट होल्ड इट जिया तुम सिर्फ डांस करके ये कैसे कह सकती हो कि तुम भारत नगर की स्टार डांसर हो पहले तुम्हें मेरा डांस भी तो देखना पड़ेगा ना शो मी ना 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 मैं कोई जादूगर थोड़ी हूँ जो ये हैट वाली ट्रिक दिखाऊंगा अगर स्टार डांसर डिसाइड करना है तो वो तो डांस फ्लोर पे डिसाइड होगा यू मीन स्टेज पे सबके सामने यस आज रात की न्यू ईयर पार्टी में हम दोनों के बीच एक डांस कॉम्पिटिशन होगा और पब्लिक वोटिंग के जरिए ये डिसाइड कर पाएगी कि स्टार कौन है और फ्लॉप स्टार कौन वाओ क्लैप फॉर विवान आई लाइक योर कॉन्फिडेंस लेकिन क्यों ना चैलेंज को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाया जाए और इंटरेस्टिंग कैसे अगर विवान हार गया तो उसकी पूरी पलटे पूरी लाइफ चिंटू और चिंटी की सर्वेंट बन के रहेंगे ओए गुजिया ये कैसी शर्ट रखी है तुमने एक्सक्यूज मी हु आर यू मायसेल्फ आरुहि फ्रॉम यूपी अच्छा 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 लिसन आरुहि फ्रॉम यूपी अगर दोबारा मुझे गुजिया बुलाया ना तो तुम्हारा वो हाल करोगे कि पूरे लखनऊ में लाइफ टाइम भजिया तलोगी तू मुझसे भजिया तलवाएगी मैं अभी तेरा भट्टा बनाती हूँ बढ़िया है मारना मार जिया मार उसको उसको मार पकड़ 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 उसके बाल खींच चोटी निकाल दे उसकी मार 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 उसको मार उसे अरे उसको खींच मार अरे एक से मार मार के अरे अरे रुको 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 हरोई अरे इसमें लड़ने की क्या बात है हरोई मुझे जिया की शर्त मंजूर है क्या अरे रिलैक्स टीम ये भी तो सोचो कि अगर मैं जीत गया क्या हाँ सो अगर मैं जीत गया तो चिंटू और चिंटी को हमेशा के लिए तुम लोगों का सर्वेंट बनना पड़ेगा सो आई एक्सेप्ट योर चैलेंज चैलेंज एक्सेप्टेड Yeah.
Here it is. अरे ये कहाँ लेकर आए तुम हमें? यहाँ छुपने वाले हो तुम बालवीर से? कई सेंचुरी से भारत नगर के नीचे एक स्लीपिंग वोल्केनो था, जो कि आज एक्टिवेट हुआ है। लेकिन अगर ये ज्वालामुखी जाग गया है, तो इसमें से लावा क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि इस वोल्केनो के ऊपर एक बड़ी सी चट्टान है, और अगर हम इस चट्टान को तोड़ दें, तो ये वोल्केनो ब्लास्ट होगा, और इसका अलावा पूरे भारत नगर के साथ साथ दोनों बालवीर को भी मेल्ट कर देगा। है? निकाल कर तुम लावा, जीत का कर रहे हो दावा? वाह वाह भाई वाह वाह, ताली दो ताली। ज्वालामुखी के ऊपर एक कवच बनाया है, जिससे वो चट्टाने टूटने की आवाज बालवीर और परियों तक ना पहुंचे। वाह वाह क्या सोच है। हाथ ये वाला नोट कर। मैं तो कहती हूँ हम ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरा ओपिनियन ये है कि हम ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं। हे गाइस, ये तुम लोग लैपटॉप पे क्या सर्च कर रहे हो? मेरे डांस के लिए कोई म्यूजिक ढूंढ रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं, हम तो ये डिसाइड कर रहे थे कि हम तुम्हें कौन से पागल खाने भेजे। अच्छा अच्छा, क्या ये तुम लोग मेरी किस टाइप की फिरकी ले रहे हो? फिरकी तो तुमने हमारी ले ली है विवान, तुमने हमसे बिना डिस्कस करे जिया से इतनी बड़ी शर्त लगा ली। अब इसमें डिस्कस क्या करना, डांस कॉम्पिटिशन तो ऑब्वियसली मैं ही जीतूंगा ना। रियली तुझे लगता है तू डांस कॉम्पिटिशन जीतेगा? तूने देखा नहीं विवान, जिया तुझसे 100 times बेटर डांस करती है। हाँ अब अरे फिगर नॉट विवान की बल्टन, मैं सब संभाल लूंगा। सॉरी विवान, लेकिन जब डब और पीकॉक का डांस कंपटीशन होता है ना, तो कोई भी गेस कर सकता है कि कौन जीतेगा। रिंगू तुम मुझे डक बोल रहा है? डक नहीं, तुम तो मुझे डोंकी लगते हो। और वैसे एक बात बताओ, तुमने हम सबके बर्थडे बैट कैसे लगा दी? हाँ विवान, तुझे पता है ना कि अगर तू ये बैट हारा तो हमें लाइफ लॉन्ग चिंटू और चिंटी के स्लेव्स बनकर रहना होगा। इसे छोड़ो, हम अपना कंटिन्यू करते हैं। हाँ ये अभी भी बेटर है। इनमें से किसी को भी मुझ पर भरोसा नहीं है। ज्वाला परी, हाँ बस क्यों रहे हो? क्योंकि अब कछुए और मोरनी के बीच में नृत्य प्रतियोगिता होगी, तो मोरनी ही जीतेगी ना। वो रिंकू मुझे डक बुला रहा था और आप मुझे कछुआ, दिस इज नॉट फेयर। अच्छा ठीक है ठीक है, क्या सोच रहे हो तुम? मुझे जिया से हारने की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मेरी रियल चिंता ये है कि अगर मैं हार गया तो मेरी बल्टन को चिंटू और चिंडी का अत्याचार झेलना पड़ेगा। ये तो तुम्हें शर्त लगाने से पहले सोचना चाहिए था ना। अरे लेकिन अब तो मैं शर्त लगा चुका हूँ, इसलिए अब मुझे अपनी पलटन को प्रोटेक्ट करने पर फोकस करना चाहिए। इनकी रक्षा कैसे करोगे तुम? क्योंकि तुम अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग तो नहीं कर सकते, वरना बाल परी से डांट पड़ेगी। मैं अपने लिए जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन आप तो मेरे लिए जादू का प्रयोग कर सकते हैं ना। मैं? यस, क्योंकि बाल परी ने हमें किसी पर्सनल काम के लिए मैजिक यूज करने से मना किया था, लेकिन किसी दूसरे की हेल्प करने के लिए थोड़ी ना मना किया था।
ये है चुलबुल बुलबुले शीशी। इसे तुम जूते पे लगाओगे तो ऐसा नाचोगे कि तुम्हें देखकर सब दंग रह जाएंगे। वाओ, थैंक यू ट्वेलबरी। अब नहीं, मैं एक बार ट्राई करके देखता। ये क्या है ज्वाला भरी, इसका तो कुछ असर ही नहीं हो रहा। वाह, सो अमेजिंग। लेकिन ज्वाला भरी, ये जूते रुकेंगे कैसे? ओके, समझ गया। यानी कि फर्स्ट विसल पे डांस ऑन और सेकंड विसल पे डांस गॉन। लेकिन विवान, तुम्हें कुछ बातें याद रखनी होगी। शीशी को एक बार खोलने से एक ही बुलबुला बाहर निकलेगा। अब इसमें सिर्फ चार बुलबुले बचे हैं। इसका अब तुम ध्यान से प्रयोग करना। यस, अब तो मुझे डांस कॉम्पिटिशन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे तो लगता है हमें दूसरी कंट्री का वीजा मंगवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर मुंबई में रहेंगे तो चिंटू चिंटी बहुत सेवा करवाएंगे। कंट्री छोड़ने से अच्छा हमें प्लास्टिक सर्जरी करा लेनी चाहिए। नहीं नहीं, हमें ना पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए, फिर हम मिनिस्टर बन जाएंगे, फिर चिंटू चिंटी हमें टच भी नहीं कर पाएंगे। डोंट वरी आरोही, हम वैसे भी लूजर को टच नहीं करते। ए, उठ। ए? आ रहा हूँ ना। इधर एट, उधर उधर, ओ रिंगू डिंगू, उधर जा। रिंगू है वो। अब बैठ बैठ। क्यों? सुतली, तुझे सैंडविच बनाना तो आता है ना? और रिंकू, तू भी हाथ पैर दबाना सीख जा। लेकिन चिंटू, मुझे गला दबाना ना बहुत अच्छे से आता है। दिखाओ क्या? फिलहाल अपने गले का नाप दे दो, ताकि हम तुम्हारी स्पेशल सर्वेंट की कॉस्ट्यूम बनवा सके। ना 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 चिंटू चिंटू, रिजल्ट के पहले ही मिठाई नहीं बांटनी चाहिए। पहले मेरा डांस का सैंपल तो देख लो। चिंडी, लगता है हारने के डर से इसके दिमाग का फ्यूज उड़ गया है। पहले मेरे डांस स्टेप्स देख लो, उसके बाद फ्यूज तो तुम्हारे सपनों को उड़ेगा। रिंकू, म्यूजिक सिलेक्ट कर। ठीक है। So, ready क्या? हाँ? अरे कोई सीटी तो बजा दो पहले। देखो, अब इसे सीटी भी चाहिए। ठीक है, बजा। Wow, Vivaan, what a performance! Come on, Vivaan, yay!
ये विवान अचानक से प्रभु देवा से सनी देओल जैसा क्यों डांस कर रहा है? विवान खुशी? हाँ मम्मी। हाँ ना। हाँ। मैं ऐसे ना मार्केट होकर आ रही हूँ, तुम लोग प्लीज शैतानी मत करना, ठीक है? हाँ। मैं आती हूँ। दादाजी इतने ओल्ड एज में मार्केट घूमने निकल गए, आपके कारण बाइक का मिरर टूट गया। अरे आपकी तो मोटर बाइक का सिर्फ मिरर टूटा है ना, मेरी हड्डी बड्डी टूट जाती तो? टूटी तो नहीं, चल रिपेयरिंग का पैसा निकाल निकाल। अरे अरे बोली नहीं, सुनिए आप तो बड़े बेशरम हैं। एक तो उल्टी साइड से आप गाड़ी ला रहे हैं अपनी और हमसे हर जाना मांग रहे हैं। अरे बाबा क्यों इतना गर्दी करके रखा है, चलो हटो पीछे, अपना अपना काम करो। चलो अरे बहू, ये कौन सा तरीका है कंप्लेंट करने का? डांस ने तो मुझे थका ही दिया, थोड़ा जूस पी लेता। ज्वाला परी आप? विवान चुलबुल बुलबुले की शीशी कहाँ है? क्यों क्या हुआ? क्योंकि करुणा जी बीच बाजार में नाच रही है। क्या तो मैं बोलता हूँ दादाजी, मुझे नहीं पता था कि आपके साथ डांसिंग बॉडीगार्ड है, मैंने गलत पंगा ले लिया। मैं आपको आपके टूटे हुए आईने के पैसे दे देता हूँ। अरे पैसे तो मैं आपको देता हूँ, मुझे जाने दीजिए। ए चला रे चला, गर्दी कमी करा चला। ए चल रिक्शा उड़ेगा। अब चलिए माँ हम घर चलते हैं। बालवीर, अगर दुनिया में कहीं भी भूकंप आया होता तो ये गोला उस देश पर जाकर रुकता। लेकिन यहाँ की परिस्थिति को देखकर लग रहा है यहाँ जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, बल्कि मैंने भी खुद यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए थे। बालवीर, कहीं ये रे की कोई चाल तो नहीं? हो सकता है कि वो भैमार के जादू की मदद से उसकी कोई योजना छुपा रहा हो। हाँ ध्वनि पर, हो सकता है, लेकिन बड़ी से बड़ी योजना का पर्दाफाश करने के लिए कभी कभी कॉमन सेंस ही काफी होता है।
अब इसकी मदद से हमें पता चल जाएगा कि भारत नगर के नीचे कोई हलचल हो भी रही है या नहीं। ये प्रमाण है इस बात का कि भारत नगर के नीचे कोई शक्तिशाली हलचल हो रही है। बालवीर, उस कंपन के केंद्र को हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हाँ चलिए। ध्वनि परी, यही है उस भूकंप का केंद्र बिंदु। रे और उसके साथी, यही भारत नगर के नीचे अपनी गतिविधि को अंजाम दे रहा है। बालवीर, अब हम क्या करेंगे? लगता है मुझे खुद ही पाताल लोक में जाना पड़ेगा।